गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम पे एंड यूजुअली ये क्वेश्चंस किसी ना किसी के होते ही हैं, तो वी हैव मेड अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे एंड वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 5 कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीसी ड्रॉज की, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपायर्ड यूपीआर होल्डर्स, ट्रैवल बैन, क्वारंटीन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। Then we'll talk about jobs in Canada. बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है, so we'll talk about that. Then बहुत सारे लोगों ने स्टडी वीजा के बारे में पूछा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। And finally we'll close the video with questions related to life in Canada. बहुत लोगों ने वो भी पूछा है, so let's get started. So आते हैं पहले क्वेश्चन पे, which is कि next job कब आएगा? ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। हाँ देखो आंसू आ गए, नहीं ड्रॉ नहीं आ रहा इसलिए नहीं, ठंड बहुत गाड़ी में चल के बैठे नहीं नहीं सही है। हाँ तो गाइस नेक्स्ट ड्रॉ का तो हमें भी नहीं पता ये कब आएगा, बट हमारी जो पिछली वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने ड्रॉ प्रेडिक्शन और जो एनालिसिस करा था उसके अंदर हमने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ जो है वो मई जून से पहले नहीं आएगा। पार्टली इट्स कनेक्टेड टू द ट्रैवल बैन जो अभी लगा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू जो केसेज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे तो केसेज नीचे जा रहे थे बट केसेज थोड़े से और इंक्रीज होने शुरू हो गए, सो लेट्स होप दैट द ड्रॉ रियली कम्स वेरी वेरी फास्ट। बट ऐसा नहीं है कि ड्रॉज नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अरे ऐसा तो नहीं कि अब सीसी और पीएनपी ड्रॉज ही आएंगे। उस चीज़ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सीसी ड्रॉज और पीएनपी ड्रॉज ये निकालने शुरू हो जाएंगे सिर्फ, तो जो कट ऑफ है वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। एंड सीसी अगर 430 के अंदर कट ऑफ आती है सीसी की, तो ऑब्वियसली दे आर ओनली बैचलर्स, बैचलर्स मतलब नॉट दे आर सिंगल, दे हैव डन ओनली बैचलर्स इन एजुकेशन एंड दे कैनेडा एक्चुअली नीड्स मोर क्वालिफाइड पीपल। बट आई थिंक मई जून के आसपास ड्रॉज आने चाहिए, लेट्स होप वी आर राइट। या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कट ऑफ एज पर द लास्ट यू नो थिंग दैट वी सॉ जो अभी ड्रॉ आया था उसमें अराउंड 11,500 पीपल आर ओवर द स्कोर ऑफ 470, 5-6 हज़ार लोग जो हैं दे आर ओवर द स्कोर ऑफ 480। तो आई थिंक द फर्स्ट कट ऑफ व्हेनेवर दैट हैपेंस, अगर कल कट ऑफ आती है इट विल बी वेरी क्लोज टू 480, बट वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी। वी ऑलवेज से दैट एनीथिंग ओवर 470 इज नॉट सस्टेनेबल, वी स्टिल बिलीव दैट। सो 480 के आसपास आएगी नेक्स्ट कट ऑफ, बट धीरे धीरे करके वो फिर 470 के पास आएगी एंड होपफुली उससे नीचे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों के हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीपल हैव जॉइंड अस न्यू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर PR ECA IELTS के बारे में। तो गाइज अगर आप हमें पहली बार फॉलो करना शुरू कर रहे हो या वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे हमने अपनी ईबुक का लिंक दिया है। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ईबुक पढ़ो वाली, आपको बेसिक समझ आ जाएंगे कैसे अप्लाई करना है। उसके अंदर एक लिंक है जिसके अंदर यू कैन डाउनलोड आर ऐप जहाँ पे अपना आप CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कैसे अपना CRS इंप्रूव करा जाए, और अगर इंप्रूव नहीं हो रहा तो ये भी देख सकते हो कि PNP कौन कौन से आपके NOC के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो ये सब कुछ सेल्फ सर्विस है, हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यू कैन जस्ट गो थ्रू द ईबुक एंड द ऐप। ऐप बहुत ही बढ़िया बनाई है कर्ली कोडर ने, तो डू चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी Q&A सेशंस किए थे जो कि क्वेश्चन आप लोगों से ही थे, सो इफ यू नॉट फाइंडिंग योर आंसर एनीवेयर ऑन द ई बुक और ऑन द वीडियोस, आप वो Q&A चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा CRS कम है तो PNP या स्टडी क्या ऑप्शन है? CRS अगर कम है तो आई थिंक इफ यू नो आई वर यू आई वुड गो फॉर स्टडी। अब उसका रीज़न ये है कि PNP लाइक वी ऑलवेज से इट्स नॉट मोर देन 50%, इट्स 50-50 अनलेस यू आर एलिजिबल फॉर ओंटेरियो, जिसके लिए आपको स्कोर चाहिए 455 से ऊपर एटलीस्ट, एंड यू हैव टू बी वन ऑफ द यू नो KNOCs जो वो इनवाइट करते हैं, वो भी हमारी ऐप के अंदर है, सो यू कैन एक्चुअली चेक दैट। बट अगर ONP नहीं हो पा रहा है देन आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर स्टडी, बिकॉज दैट एक्चुअली इज फेवर्ड इन कैनेडा। हमने देखा है जैसे ही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी दे एक्चुअली वेंट बैक टू CEC ड्रॉज, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इफ यू कम हियर फॉर स्टडी यू ऑलरेडी आर एक्लिमेटाइज्ड यू नो टू द वे ऑफ लिविंग इन कनाडा एंड बेसिकली इन्वेस्टेड इन द कैनेडियन इकॉनमी। एग्जैक्टली, सो दे प्रेफर यू। या आई वुड से दैट इफ योर स्कोर इज लो लेस देन 465 एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ईदर ONP और जो Saskatchewan का प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है SINP, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू लुक एट योर प्लान बी व्हिच कैन बी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट रेगुलेटेड प्रोफेशंस? तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं, बहुत लोगों ने हमसे ये भी बोला है कि आपको टीचर्स पे वीडियो बनानी चाहिए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बट अभी तक ना अगर फिर से कोई वीडियो अगर देख रहा है कोई टीचर तो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड। हमने एक दो लोगों से बात करी बट इट्स नॉट एग्जैक्टली वॉट वी आर लुकिंग फॉर, बट हमने रेगुलेटेड प्रोफेशन पर पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं। वी वुड सजेस्ट दैट
यू शुड थिंक वेरी हार्ड एंड वेरी लाइक थोड़ा ध्यान से आओ अगर रेगुलेटेड प्रोफेशन हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी फॉर रेगुलेटेड प्रोफेशन. डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, डेंटिस्ट फ्रेंड हमारे आए भी थे. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल बिकॉज यू फर्स्ट नीड टू यू नो डू योर सर्टिफिकेशन और अ ब्रिज कोर्स और स्टडी ऑल ओवर अगेन हेयर एंड देन यू कैन प्रैक्टिस. एंड आई एम सेइंग दैट विद एक्सपीरियंस बिकॉज माई सिस्टर ऑल्सो हैज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन. शी कांट जस्ट कम हेयर एंड यू नो प्रैक्टिस, शी विल हैव टू डू अ ब्रिज कोर्स. तो वी आर टेलिंग दिस विद एक्सपीरियंस. तो अगर बहुत अंदर से आ रही है ना कि नहीं मेरे को कैनेडा आना है, ओनली देन कम, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रगल. सो यू शुड बी रेडी फॉर द स्ट्रगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दिस क्वेश्चन हैज पॉप्ड अप रिसेंटली एंड द क्वेश्चन इज आईएलटीएस या सेल्पिप. हम जब तैयारी कर रहे थे हमने दोनों के ना सैंपल पेपर दिए थे. हमारे पास तीन ऑप्शन थे ना. तो आईएलटीएस के अंदर एक होता है कंप्यूटर बेस्ड. अच्छा, ओके. ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का क्वेश्चन जो है ना वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स द सीन. बट द क्वेश्चन इज वेदर टू गो फॉर अ पेपर बेस्ड एग्जाम आईएलटीएस में या फिर कंप्यूटर बेस्ड, या फिर आईएलटीएस देना ही नहीं है, सेल्फ हेल्प की तरफ जाओ. गाइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस. हमने जब सेल्फ हेल्प का मॉक देने की कोशिश करी थी हमें वो इतना अच्छा नहीं लगा था, हम वो कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा था उसके अंदर, एंड वी डिडंट डू दैट. सो डू अ मॉक फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एंड वो मॉक में आपको समझ आ जाएगा किस पे आप कंफर्टेबल हो, किस पे आप नहीं हो, कितने में स्कोर आ रहा है, कितने में नहीं आ रहा. कई लोगों को सेल्फ हेल्प अच्छा लगता है स्पेशली फ्रॉम अ राइटिंग स्टैंड पॉइंट, बट कई लोग यू नो आईएलटीएस के साथ सीख करते हैं. सो जस्ट गिव अ मॉक एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ. Okay, so the next category is for expired COPR holders or travel ban hai. So let's start with those questions. Pehla question is, hamara COPR is expired and how to get the AL ya authorization letter to travel? Guys, this is something that you cannot force yourself to get. IRCC apne aap aapko karega. You can try to, you know, raise web forms. Hamare bahut sare log hain jo web form raise kar rahe hain, but that doesn't help. It's not in your hands and I agree it's unfair. I agree that there is no method to it. I don't think they are very organized. IRCC is not very organized when it comes to giving authorization letters or COPR. But the good news is that जो लोग इंडिया से बाहर हैं, हमने बहुत सारे लोगों का सुना है कि उनका COPR आ गया है, बट दे वर प्लेस्ड आउट ऑफ इंडिया. आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ डिस्टिंक्शन देयर, बट अगर COPR आने शुरू हो गए हैं इसका मतलब है कि ऑथराइजेशन और COPR जो इंडिया में है वो भी बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे. वी आर रियली होपिंग दैट ये जो ब्रेक आया है इन द FSW draws, दिस एक्चुअली हेल्प्स IRCC टू क्लियर ऑल द बैकलॉग दैट दे हैड बायोमेट्रिक्स का और हर चीज़ का. सो होपफुली यू नो दिस विल बी हेल्पफुल. But yeah, you cannot force yourself to get COPRs or ALs. It's just something that you will have to wait it out. Yeah. Next question, when will the travel ban be lifted? We don't know. The best guess that I can make is when almost everyone in Canada is vaccinated. I think it's unfair because kai countries mein vaccinations ho rahi hain, to jinke paas vaccination hai unko to aane dena chahiye. If they have a letter or you know whatever, you know, I think they should be allowed. Yeah, I think they'll wait till a lot of the people in Canada are vaccinated, which could be up to, I don't know, June, July, September. But aisa bilkul ho sakta hai ki they actually just wake up and they say ki nahi, jinke paas vaccinations hain, wo aa sakte hain. So if that happens, then, you know, that will be good news and that can happen, you know, earlier. And that should happen in our view. But yeah, let's hope. Okay, next question. What about the processing times? Kya scene hai processing times ka? So in our experience of talking to a lot of people who have received their COPRs or waiting, it's taking more than 6 months. Jaise hamara 3-4 mahine mein aaya tha, bahut sare log aapne suna hoga before the pandemic jaldi aa rahe the COPRs. But it's now taking at least 6 months and it's taking up to an year. So you know, just sit tight. It's gonna take time because bahut zyada backlog hai. पहले बायोमेट्रिक्स की वजह से बैकलॉग हो रहा था, बायोमेट्रिक्स का बैकलॉग जो है वो क्लियर हो रहा है. यू नो अ लॉट ऑफ यू वुड हैव गॉटन द रिक्वेस्ट, सो होपफुली इट विल गेट बेटर. बट आई वुड से यू शुड टेक एटलीस्ट 9 months का एक लेके चलो बफर कि इतना टाइम लग जाएगा आफ्टर यू गेट योर AOR. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द न्यू क्वारंटीन रूल्स? इफ आई लैंड टुडे इन कनाडा तो मुझे क्या करना है? पहले तो होटल बुक करना पड़ेगा. 3 दिन का होटल बुक होगा. दैट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन $800 टू ऑल द वे टू $2,000 डिपेंडिंग ऑन आप कितने लोग हो फैमिली के अंदर. 4 लोग आओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा है बिकॉज इसमें कुछ ना ऐसा भी फंडा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बुक अ होटल इज़ वॉट वी अंडरस्टैंड. बहुत ज़्यादा कॉल वेटिंग वगैरह चल रही है, दो दो तीन तीन घंटे आपको कॉल पर रहना पड़ता है, तो वो सब भी है पंगा. But that's mandatory. And उसके बाद if you have a COVID positive report, then you can actually go to wherever you were going for your COVID next negative 11.
सॉरी हाँ इफ यू हाँ सॉरी इफ यू हैव अ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन एक्चुअली गो टू योर क्वारंटीन प्लेस जहाँ पे आप करने वाले थे, एयरबीएनबी या जो भी आपने करा था, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग समवेयर. अगर आपकी फैमिली भी यहाँ पे है तो यू शुड नॉट बी स्टेइंग विद द फैमिली, स्पेशली इफ यू हैव कॉमन एरियाज इन द हाउस. यू शुड जस्ट स्टे यू नो अवे सो दैट दे आर ऑल्सो सेफ एंड यू आर ऑल्सो सेफ एंड देन यू कैन गो वेर एवर यू कैन. सो 14 डेज का क्वारंटीन है ही 100%, बट 3 डेज उसमें से इट गेट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव टू स्टे इन द होटल. So we are over with this category of COPs. Let's move on to the next category, which is jobs in Canada. My favorite. First question is, how is the job market after pandemic? Guys, हमने पिछली वीडियो में भी ये बोला था. आप पैंडेमिक को और इन चीजों को देख के मत आओ यहाँ पे. Just look at yourself and how you can improve your chances of getting a job here. Concentrate on industries. हम ये एक लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में जो हमने 2 या 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी. वी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्रीज दैट आर डूइंग वेरी वेल इन कैनेडा. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. डू नॉट थिंक यार ये पैंडेमिक है तो जॉब नहीं मिलेगी या पैंडेमिक है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा. कोई फ़ायदा नहीं है सब सोच के, नेगेटिविटी और दिमाग में आएगी. जस्ट गिव इट योर ऑल टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल. सो मेक श्योर दैट यू आर नेटवर्किंग वेरी वेल. मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल. सर्टिफिकेशन करनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है. डू नॉट डू नथिंग when you are in India. Yeah. This is the best time to prepare for a job in Canada. So just, you know, do whatever you want to do to improve your profile and be the best at what you do. Good answer. Next question. With the next burning question. Can I get a job sitting in India? If you do not have a PR, then no. It's very difficult to get a job, especially now. Because अगर आपके पास PR नहीं है तो आपके पास कोई working status नहीं है in Canada. So they have to arrange, the employer has to arrange for it. Which is not that easy. It's costly and it takes a lot of time. Plus बहुत सारे सवाल पूछती है कैनेडियन गवर्नमेंट कि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड यहाँ पे बैठे हैं तो आप बाहर से क्यों ले रहे हो. सो अनलेस यू हैव अ स्पेशल स्किल दैट नो वन एल्स वुड हैव और वेरी फ्यू पीपल वुड हैव इन कैनेडा देन ऑब्वियसली यू नो यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट एंड अप्लाई फॉर अ जॉब. बट अगर आपका नॉर्मल कोई स्किल है जैसे हम नॉर्मल लोग हैं नॉर्मल जॉब्स करते हैं आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ओनली अप्लाई फॉर जॉब्स इफ़ यू हैव योर COPR और अ वर्किंग स्टेटस हियर. बट डेफिनेटली इफ यू हैव COPR if you are ready to travel with an authorization letter, definitely you should apply for jobs because of remote interviews ho rahe hain. So it's very easy to, it's no, there's no difference agar main yahan pe baith ke interview de raha hu Canada mein versus India mein, because it's remote it doesn't matter. And you can actually just come, you know, whenever you get the offer letter from the company. Next question, what is the scope of construction engineers, software, mechanical engineers? Ye iska answer main do. सो इसका आंसर हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इन आवर लास्ट वीक्स वीडियो. डू चेक दैट वीडियो बिकॉज हम वी आर नॉट क्वालिफाइड और इक्विप्ड इनफ विद दैट इन्फॉर्मेशन टू टेल यू कि हाँ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का स्कोप है जी आपको तो आते ही जॉब मिल जाएगी. सो वी आर नॉट दोज पीपल एंड आई थिंक नो वन शुड से दैट टू एनी वन. सो डू चेक दैट वीडियो आउट. हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे अपने जॉब का स्कोप ढूंढ सकते हो. Next question. So does our experience in India counts when you're applying for jobs in Canada? Absolutely it does. बहुत ही misconception है कि Indian experience count नहीं करता. I don't know why. ये Canadian experience, Indian experience की जो discussion है, yes I agree, Canadian experience वालों को थोड़ा सा एक edge मिलता है. But इसका ये मतलब नहीं जो आपने करा है वो waste है. You just need to, you know, be good enough to connect your Indian experience to what you will do here. As long as you are able to do that, as long as you are able to network well, as long as you are able to use your references, resume बढ़िया बनाओ. There's no reason you will not get a job. And moreover, I feel कि जो interviewer है, उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना experience है, कितना नहीं. You're of course in the interview में you'll give your best. So someone who's taking your interview and has that, you know, like years of experience, he'll be able to very well judge and you know consider your Indian experience. Yeah. Next question: What is the best time to come to Canada? जब हम आए थे फेबरी मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू कम एंड द वर्स्ट टाइम वुड बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर. अक्टूबर भी चलो ठीक है बट दिसंबर जनवरी विल बी द वर्स्ट टाइम बिकॉज सब छुट्टियां होती हैं तो हायरिंग सबसे कम होती है प्लस एंड ऑफ द ईयर होता है तो पीपल आर लुकिंग टू कट डाउन ऑन कॉस्ट तो इसलिए भी हायरिंग नहीं करते जो लोग छोड़ के जाते हैं. द बेस्ट बेस्ट टाइम टू कम हेयर इज़ फेबरी मार्च मे बी अप्रैल एज वेल बिकॉज उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को जो बोनसेज मिलने होते हैं वो मिल चुके होते हैं एंड देयर फॉर दे आर मोर विलिंग टू यू नो स्विच एंड उस टाइम पे वैकेंसीज बनती हैं. प्लस उस टाइम पे वी आर कमिंग ऑफ विंटर तो देर इज़ अ लॉट ऑफ हायरिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग दैट टाइम. देर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज दैट हैपन. बीच में जो टाइम होता है जून जुलाई अगस्त दैट इज़ ऑल्सो ओके बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट टाइम इज़ अगस्त में जैसे आप अगर आ रहे हो तो
बाय द टाइम विंटर कम्स, अगर आप ओंटेरियो साइड पे आ रहे हो, अगर आप विंटर आनी शुरू हो जाती है तो तब तक गाड़ी नहीं हुई होती, घर अभी तक सेटल नहीं हुआ होता, सो इट जस्ट गेट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सेटल योर सेल्फ बाय द टाइम विंटर कम्स। अगर जॉब के साथ आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जॉब के साथ नहीं आ रहे हो और यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जैसे हम आए थे फरवरी मार्च अप्रैल, दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम, ताकि जब तक विंटर आए तब तक यू आर सेटल्ड एंड यू हैव अ कार एंड यू आर एबल टू रोम अराउंड एंड यू आर एबल टू एंजॉय इन दिस ब्यूटीफुल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ईजी टू गेट जॉब इन योर ओन फील्ड, हाउ मच टाइम डज इट टेक? मेरे को पैंडेमिक के बीच में आई जेलस ऑफ तेरे तो जे हाथ मतलब मेरे बाहर है तो लग रही है मेरे को क्या करूंगा मर जाऊं मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है तो आई वुड से दैट इट इज ओके, सो ये इजी डिफिकल्ट वाला, मतलब आई वोंट से इट्स इजी, इट्स नॉट ईजी फॉर एनी वन टू बी ऑनेस्ट। 4 महीने मेरे को लगे थे मेरी फील्ड में जॉब मिले पे, जबकि सिमरन को 15 दिन में मिल गई थी। इट्स नॉट अबाउट ईजी और डिफिकल्ट, इट्स अबाउट हाउ यू प्रिपेयर। जितनी कम मिस्टेक्स करोगे यहाँ पे आने के बाद उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहा था दैट आई वॉज नॉट यूजिंग माई रेफरेंसेज प्रॉपरली, आई वॉज नॉट नेटवर्किंग वेरी वेल वन आई केम हेयर, आई वॉज एक्चुअली अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ जॉब दैट आई शुड नॉट बी अप्लाइंग टू। मैं ऐसी फील्ड्स में जॉब अप्लाई कर रहा था जहाँ पे स्कोप था ही नहीं बिकॉज कोविड था। सो ये सब जो मिस्टेक्स हैं ये सब जितनी कम करोगे यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ टाइम देयर। तो जो हमने फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर लॉन्च करा है उसके अंदर हम ये सब डिस्कस करते हैं। ये कोई मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लो वाला कोर्स, वैसे तो बुक्ड ही है यू नो पूरा, बट वी हैव एक्चुअली ओपन्ड अनदर स्लॉट, सो डू बुक दैट। एंड बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक दैट कोर्स। टू बी ऑनेस्ट द राइट टाइम इज़ व्हेन यू आर इन इंडिया। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ये नेसेसिटी बन जाती है कि आपका अगर नई जॉब मिल रही है देन दिस कोर्स कैन हेल्प यू, दैट बिकम्स अ नेसेसिटी देन। बट अगर इंडिया में हो तो दैट एक्चुअली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एंड मैं ये नहीं कह रहा ये वाला कोर्स करो, आप कुछ भी करो, मतलब यू जस्ट डाउनलोड द फ्री ईबुक एंड इवन दैट विल हेल्प यू। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट व्हेन यू आर स्टिल इन इंडिया। सो यूज द टाइम दैट यू हैव राइट नाउ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपनी फील्ड में जॉब 100% मिलेगी बिकॉज यू वुड बी एबल टू नेटवर्क विद पीपल इन योर फील्ड, और जब आप यहाँ पे आओगे तो वही वाला नेटवर्क आपको जॉब दिलाएगा। सो द मेन थिंग हेयर इज टू प्रिपेयर वेन यू आर इन इंडिया, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड, दैट्स द रीजन वाई इट टुक मी 3 to 4 months। सो जितना ज़्यादा आप फर्स्ट जॉब एक्सेलेटर ज्वाइन करो ना करो, बट डू मेक श्योर दैट यू आर नेटवर्किंग वेरी वेल, डू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू गेट अ जॉब इन कैनेडा, एंड दैट प्रिपरेशन स्टार्ट्स वेन यू आर स्टिल इन योर होम कंट्री। Okay, it's cold. Next question. I don't have money when I land in Canada. Is it easy to get survival jobs? Yeah, or how to get them? बहुत सारे लोग Uber चलाते हैं, but उसके लिए license चाहिए होता है. But survival jobs इतनी difficult नहीं होती हैं यहाँ पे मिलनी. अभी COVID के चक्कर में थोड़ी सी कम है, because restaurant jobs नहीं है, but retail jobs अभी भी हैं. In fact, ज़्यादा हैं. अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे आएगा बिकॉज इट्स हॉलीडे टाइम, तो उस टाइम पे सर्वाइवल जॉब्स और ज़्यादा होती है बिकॉज रिटेल में बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती है, वॉलमार्ट, लॉबलॉज, इसमें बहुत सारी जॉब्स निकलती है उस टाइम पे। एंड इट डजेंट मैटर कौन से प्रोविंस में आप हो, सर्वाइवल जॉब आपको मिल जाएगी। द वे टू गेट अ सर्वाइवल जॉब, बहुत सारे लोग अपने डेस्क पे बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, घर में बैठकर दे आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर जॉब्स, दैट्स नॉट द वे टू गेट अ सर्वाइवल जॉब। यू नीड टू गो इन टू अ मॉल एंड देन सी कि वहाँ पे वैकेंसी है, और वहाँ पे जाओ अपना रिज्यूमे पकड़ाओ और अगले दिन से काम करने लग जाओ, दैट्स द वे टू गेट अ जॉब। वॉलमार्ट में जाओ, वॉलमार्ट में लिखा है वैकेंसी, वहाँ पे बात करो स्टोर मैनेजर से एंड यू गेट अ जॉब लाइक दैट। डू नॉट ट्राई टू गेट अ जॉब यू नो लाइक सिटिंग इन योर होम, यू वोंट गेट अ सर्वाइवल जॉब लाइक दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज एजुकेशन। आई हैव टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टडी फर्स्ट एंड देन गेट अ पीआर? अगर आपके पास बैचलर्स है इंडिया में और आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, सो दैट्स प्रोबेबली दी ओनली, इट्स नॉट अबाउट गुड आइडिया और बैड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू हैव इफ यू वांट टू सेटल इन कनाडा। अगर सेटल होना नहीं है कनाडा में, बहुत सारे लोग बोलते हैं हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, देन वेट फॉर पीएनपी डेफिनेटली। बट अगर स्टडी करके यहाँ पे करते हो तो यू गेट एन एज बिकॉज यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू हैव अ नेटवर्क हेयर। इट्स नॉट अबाउट कनेडियन एजुकेशन, बट 2 साल जब आप यहाँ पे स्टडी करते हो यू एक्चुअली क्रिएट अ नेटवर्क फॉर योर सेल्फ दैट हेल्प्स यू गेट अ जॉब, दैट्स द एज दैट यू गेट। सो येस डेफिनेटली आई एम, अगर हमारा नहीं हुआ तो हम स्टडी के ऊपर आते मैं या सिमरन, एंड देन वी वुड हैव यू नो ट्राई टू सेटल डाउन इन कनाडा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रोविंस में हम पढ़ाई करेंगे और आप पीआर इजीली हो जाए? अगर आप यंग हो तो आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो। सी दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, ऐसा कोई ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गो टू आर ऐप,
एंड डू अ फॉरवर्ड कैलकुलेशन ऑफ योर पॉइंट्स। अगर आप 35 इयर्स के फॉर इंस्टेंस आप 2 साल की अगर एजुकेशन करते हो तो जस्ट पुट इन कि आप 37 के हो गए, ऐप के अंदर डालो आप 37 के हो एंड ऐप के अंदर डालो दैट यू हैव टेकन अ कैनेडियन एजुकेशन एंड देन सी व्हाट योर पॉइंट्स आर। अगर आपके 470 से ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं सो देन एनी प्रोविंस इज गुड, अगर आपके नहीं बन रहे देन यू विल हैव टू गो टू ईदर अटलांटिक प्रोविंसेज और सस्काइचुअन और मैनिटोबा बिकॉज दीज प्रोविंसेज आर वेरी वेरी एजुकेशन फ्रेंडली एंड अगर आपने उनके प्रोविंस के अंदर एजुकेशन करी है एंड इफ यू गेट अ जॉब ऑफर और इवन इफ यू डोंट गेट अ जॉब ऑफर यू एक्चुअली गेट प्रेफरेंस देयर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच पॉइंट्स यू आर मेकिंग एंड दैट कैलकुलेशन यू कैन एक्चुअली डू नाउ, जस्ट डाउनलोड आर ऐप कैन गाइड और चेक ऑन द IRCC वेबसाइट एंड डू अ फॉरवर्ड कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड विच प्रोविंस टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई डू अ बैचलर्स डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री इन कनाडा? कज़ब इस पर मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से इट एब्सोल्युटली डज नॉट मेक सेंस टू कम हेयर फॉर बैचलर्स अनलेस आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी यहीं से करनी है। तो कम हेयर आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका इंडिया में है और आपने बैचलर्स करी है, उसके बाद यहाँ पे मास्टर्स करो, यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करो, 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा, यू विल हैव इनफ पॉइंट्स आफ्टर यू नो ऑल दिस टू गेट अ PR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Does driving in Uber counts as Canadian experience? जितनी भी सर्वाइवल जॉब्स हैं दे आर जस्ट कि आपका जो खर्चा है वो निकल जाए, दे डू नॉट काउंट टू वर्ड्स कनेडियन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ PR स्टैंड पॉइंट बिकॉज स्किल लेवल A, B या 0 चाहिए होता है यू नो टू गेट पॉइंट्स फॉर कनेडियन एक्सपीरियंस जो कि ऊबर चलाना इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। ओके जी, सो इट्स सुपर कोल्ड आउटसाइड और हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर वापस। बाहर निकली हुई धूप इतनी अच्छी आपने देखी थी और ये बार बार हिल रहा है फोन बट So next in the last category is life in Canada. So पहला question is कि कितने amount हमें लेकर आना चाहिए when we come to Canada? तो हम basically $20,000 लेकर आए थे यहाँ पे and वो हमारा इतना use हुआ नहीं था because Simran की job लग गई थी। You don't need more than $2,000 per month if you are a couple. थोड़ा सा अगर आपका आपकी family है, if you have a kid, then probably थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, but आपको child care benefit भी मिलेगा। तो एक भी बंदा अगर जॉब करे तो मिनिमम वेज पे भी दैट एक्चुअली गेट्स कवर्ड। सो या आई वुड से अगर कोविड में आ रहे हो तो $20,000 तो लेकर आओ। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज योर जॉब एंड योर पैशन विच इज यूट्यूब एट द सेम टाइम? तुम बताओ। ओके, सो कनाडा में द वर्क इज प्रीटी स्ट्रीमलाइन्ड। इफ यू स्टार्ट वर्क एट 8 यू विल बी फ्री बाय 4। मतलब वेरी स्ट्रीमलाइन, दे वैल्यू फैमिली टाइम, दे वैल्यू कि आप अपनी हॉबीज पे टाइम स्पेंड करो, सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू यू नो टेक अप अ हॉबी, स्पेंड टाइम ऑन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रियली वर्थ माइग्रेटिंग टू कनाडा दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर? गाइस दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट 7-8 लोगों ने कम से कम क्वेश्चन पूछा है कि इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा। एक अगर आप 100% कन्विंस्ड हो कनाडा आने के लिए ओनली देन यू शुड कम बिकॉज शुरू में इनिशियल स्ट्रगल है यहाँ पे एंड वी हैव ऑलवेज सेड दैट। हमने कभी भी नहीं बोला आपको हमारी लाइफ बहुत इजी लग रही होगी कि अरे देखो ये इतने सही कर रहे हैं, दे बॉट अ हाउस विद इन 1 ईयर, ये सब सही है बट हमने स्ट्रगल भी बहुत करी है पहले 6 महीने एंड देन एवरीथिंग इज यू नो वर्किंग आउट। हमारी जॉब्स अच्छी हो रही है, हमारी प्रमोशन हो गई है, एवरीथिंग वर्क्स आउट इवेंचुअली बट शुरू की स्ट्रगल होती है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। डू नॉट कम हेयर ओनली फॉर मनी बिकॉज देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आप जितना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे वेदर यू आर इन इंडिया और इन दुबई मिडिल ईस्ट वगैरह में बहुत पैसा है एंड वहाँ पर टैक्स भी इतना कम होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी होम इनकम जो होती है वो काफ़ी कम आती है इन कैनेडा। सो या डू नॉट कम हेयर फॉर मनी, कम हेयर फॉर लाइफ स्टाइल एंड इफ यू आर कमिंग हेयर फॉर द राइट रीजंस देन इट्स वर्थ कमिंग एनी टाइम, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, जब मर्जी। या कोविड है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पूरी जिंदगी निकालनी है तो इसमें 6 महीने की स्ट्रगल, इट डजंट मैटर। Okay, next question. When should you buy a house when you're coming to Canada? And the additional question is, should you buy a townhouse or a detached or a condo? You should buy a house when you can afford it. हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर में बताया था कि you should go by the rule of 35 and you should at least have 10% saved, you know, as down payment. 20% ideally, but 10% तो आपके पास saved होना चाहिए। यहाँ पे 5% तो minimum चाहिए in Ontario. बट या ओनली बाय अ हाउस व्हेन यू कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज यू नो इट्स नॉट वर्थ इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम अभी इंडिया में हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि हम इंडिया में हैं बट ये तो मार्केट जो है हाउसिंग मार्केट वो ऊपर जाए जा रही है तो अब क्या करेंगे हम, जब आएंगे तब तो वो 1-1 मिलियन के घर मिलेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मतलब आप जब भी यहाँ पे आओगे ऐसा तो है नहीं कि आप वहीं से खरीद लोगे घर,
तो आप जब भी यहाँ पे आओगे यू विल हैव टू मैनेज दैट, यू नो वट एवर इज देयर यू विल हैव टू मैनेज इट विद योर सैलरीज एंड अगर छोटा घर अफोर्ड कर सकते हो तो छोटा घर खरीदो, बड़ा कर सकते हो बड़ा घर खरीदो. पूरी जिंदगी पड़ी है अपग्रेड करने के लिए घरों में, कोई एंड नहीं है. जहाँ पे हम अभी बैठे हैं वहाँ पे 6 मिलियन के भी घर हैं आसपास हमारे, तो ऐसा कोई एंड नहीं होता उसका. सो जस्ट बाय अ हाउस व्हेन यू कैन अफोर्ड इट एंड देयर इज नो गुड और बैड टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अ गुड कंट्री टू अर्न मनी, हाउ मच यू कैन सेव. हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि हम $4,000 के आसपास सेव कर सकते हैं जिससे हमने घर भी लिया है. सी इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच यू कीप. यहाँ पे हमारी सैलरीज हांगकांग से तो कम है ओवरऑल, एंड इट्स जस्ट दैट सेविंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है. किसी के लाइक इफ यू हैव अ फैमिली इफ यू हैव किड्स तो ऑफकोर्स आपके खर्चे भी ज्यादा है. बट मेरे को ये मिडिल क्लास बोल लो या कुछ है जो मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि कोई भी सैलरी या कुछ भी आ रहा है जस्ट मेक अ बजट ऑफ इट, जितना आपने खर्च करना है जस्ट इट्स गुड टू हैव दैट बजट एंड जस्ट यू नो सेव दैट मनी जो आपने सेव करना सोचा है एक्स्ट्रा उसको. मतलब ये थोड़ा एक बैलेंस बना के चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमने जब हमने घर वाली वीडियो बनाई थी हमने बताया था कि हमने 65,000 सेव करे थे इन व्हाट 9-10 months के अंदर अंदर, एंड दैट वी वर एबल टू डू बिकॉज वी वर सेविंग जो इंडिया से लेकर आए थे पैसे $20,000 वो भी थे, प्लस $4,000 पर मंथ हम सेव कर रहे थे. नाउ विद आर सैलरीज इंक्रीजिंग, सिमरन की जॉब चेंज हुई, मेरी प्रमोशन हुई, वी आर एक्चुअली सेविंग. जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है दैट वी आर सेविंग. इट्स नॉट लाइक वी आर अपग्रेडिंग आर हाउस, इट्स नॉट लाइक वी आर अपग्रेडिंग आर कार, इट्स नॉट लाइक वी आर इंक्रीजिंग आर एक्सपेंसेस. हमारे यूट्यूब से भी अगर आप अच्छा जैसे हमारे को स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिल रही है यूट्यूब की, वो जितना पैसा आ रहा है इट्स नॉट लाइक वी आर जस्ट स्प्लर्जिंग, वी आर एक्चुअली सेविंग दैट टू बिल्ड एसेट्स एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे लाइबिलिटीज पे खर्च करके कोई फायदा नहीं होता एंड वी रियली बिलीव दैट यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू वर्क टिल वी आर 50-60. And I'm not saying YouTube se niklega ye sara, you know, don't get me wrong here, but we need to do something, whether it's putting money in properties or assets or, you know, starting a business, we need to do something ki hum 50 ke aas pas, we can actually do whatever we want and we are just not, you know, working paycheck to paycheck. So next question is there racism in Canada and what do Canadians think about Indians? See, racism... मैं इसका पॉलिटिकली करेक्ट आंसर भी दे सकता हूँ बट मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं तो मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा. एज अ सिख गाय आई हैव फेस्ड मोर रेसिज्म इन इंडिया देन आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड टू मोर देन 25 कंट्रीज. आई हैव नॉट फेस्ड रेसिज्म इन एनी अदर कंट्री मोर देन व्हाट आई हैव फेस्ड इन इंडिया. एंड मैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा, आप बोलोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कोई भी कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे को कोई कंट्री में इतना रेसिज्म नहीं फील हुआ जितना मेरे को इंडिया में हुआ है. इंडिया में भी मैं बहुत सारी सिटीज में रहा हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन. मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ. थोड़ी सी अंडरलाइन हर जगह होती है. कई लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो रेसिस्ट होंगे एंड दे विल बी अगेंस्ट यू नो इंडियंस टेकिंग अवे कैनेडियन जॉब्स. वो सब होगा बट जनरली पीपल आर वेरी नाइस एंड दैट्स व्हाट वी फील फ्रॉम टॉकिंग टू आवर कलीग्स इन द ऑफिस. सिमिल के भी सारे कलीग्स जो यहीं के हैं. मेरी बॉस इज कैनेडियन. So we really feel that people are really nice in general. So let's come to the last question. What about our parents? When can we call them? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है कि आप एक साल की जब आपने अपनी अब ये सब ना हमने पढ़ना है अभी बिकॉज हमारा एक साल कंप्लीट हो रहा है. But I'll just attempt to answer this. 1 year if you complete here, आपने 1 ITR अगर भर ली तो you can actually apply for a super visa, जो कि 2 साल तक parents actually can live with you. नॉर्मली क्या होता है जो टूरिस्ट वीजा होता है वो 6 months का होता है. आफ्टर यू कंप्लीट 2 years जो आपके 2 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे देन यू कैन अप्लाई फॉर PR फॉर योर पेरेंट्स. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेडिकल PCC वो सब चीजें होती हैं एंड देयर इज अ ड्रॉ टू दैट. तो उसमें एंड देन देयर इज अ लॉटरी सिस्टम. तो यहां पे नेक्स्ट ईयर इस ईयर आई थिंक 30,000 का एक लॉटरी है जिसके अंदर 30,000 पेरेंट्स विल बी इनवाइटेड. तो ऑब्वियसली एप्लीकेशंस आर अ लॉट मोर देन दैट. सो एक लॉटरी सिस्टम होता है तो उसमें नॉर्मली 2-3 साल लग जाते हैं. सो लगा के चलो कि आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो 5 साल के अंदर अंदर यू कैन एक्चुअली गेट योर पेरेंट्स हियर इफ यू स्टार्ट अर्ली. सो दैट वाज इट. दैट वाज द होल Q&A सेशन. आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे और उनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट थी जो हमने करके आंसर करे. आई एम सॉरी ये वीडियो काफी लंबी हो गई होगी. आई एम प्रीटी श्योर बट आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड यू गाइस एंजॉयड इट. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.